हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे DFCCIL की जो वैकेंसी है जूनियर मैनेजर सिविल की, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 31 पोस्ट निकली है और उसके लिए बीटेक सिविल जो है वो एलिजिबल है। तो हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो हम इन सब पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें जो एज लिमिट है वो 18-27 ईयर्स है। ये E2 कैटेगरी की पोस्ट है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि इसमें जो ये जो थ्री टीयर जो स्टेज है, ये थ्री टीयर का मतलब है कि पहले CBT होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक फॉर्मल स्टेज होता है जो जनरली हर एग्ज़ाम में होता है। फिर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो ये टू आवर्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक ही दिन में सारे सेशन हो लिए ले जाएंगे, क्योंकि जनरली नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लैक्स में पहुंच जाते हैं कई बार, तो इसलिए ये एक दिन में ही दो या तीन सेशन में सारे एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो लगभग 120 क्वेश्चन का होगा, तो इसमें जो 96 क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल होंगे आपके और जो 24 क्वेश्चन होंगे वो नॉन टेक्निकल होंगे। क्वेश्चन पेपर इनका जनरली हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है क्लियरली, क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो आपको जो भी इजी लगे आप उसमें पढ़ के देखिए, अगर कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी से भी देख सकते हैं, बट माइंड इट कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो जो इंग्लिश वर्जन होगा उसी को माना जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4 में। फिफ्थ में हम देखते हैं, फिफ्थ में ये लिखा हुआ है कि जो इनकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होगी, एक नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। इंटरव्यू के लिए 3 times आप कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, मतलब 31 पोस्ट हैं तो 93 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू डायरेक्टली। उसके बाद हम फिर बात करते हैं कि सीधे सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस पे देखते हैं सिलेबस क्या क्या है इनका, डायरेक्टली जंप करते हैं। जस्ट अ मिनट, राइट, सो वी आर हियर एट द सिलेबस। सिलेबस में देखिए इनका जो दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि सिलेबस में देखिए इनके लिखा हुआ कि पार्ट वन में जो होगा 24 क्वेश्चन होगा, पार्ट टू में 96 क्वेश्चन होगा। पार्ट वन में जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगा। सेकंड को पार्ट में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें रहेंगी। मैंने दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। ये इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। बाकी इनका जनरल सिलेबस है जो जनरली बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं। देखो, ये जो हमारा वीडियो होगा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वो पार्ट होगा जिसमें हम नॉन टेक के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें हम टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, और दोनों को ही डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, सोर्स क्या होना चाहिए और किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, इनका जो पहला पार्ट है जो 24 क्वेश्चन का जो नॉन टेक्निकल पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग है, तो इसको हम 50-50% ही मानेंगे। ये जनरली 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का आएगा और 12 क्वेश्चन जो होगा इनका जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के होगा। जनरल नॉलेज में जनरली क्या करते हैं, इनको प्रेफरेंस जो देते हैं वो पॉलिटी को देते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, जो जनरली इनके जो प्रीवियसली जो पेपर हो चुके हैं उसमें ये पॉलिटी ज़्यादा बेसिकली प्रीफर करते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन इनके आते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी इन्होंने पार्लियामेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछा बट वो भी जस्टिस से रिलेटेड है। फिर आगे देखते हैं तो वो भी एक लगभग पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए, करंट की बात करें तो करंट में देखिए ये बैंक मर्जर से सवाल पूछा है, गवर्नमेंटल स्कीम्स के क्वेश्चन पूछा है। फिर आगे अगर देखें तो फिर ये जो पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो कॉरपोरेट पर्सनालिटी होते हैं, मतलब जो फिक्की है, सिडबी है, इनके जो MD होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जैसे बैंकिंग है, तो इनके जो पर्सनालिटीज़ होते हैं जो मेजर पोस्ट पे होते हैं उनके भी क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर देखिए, फिर से पॉलिटी के ही क्वेश्चन है, तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते हैं। ज्योग्राफी से जो इनका क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक सवाल आता है, जनरली यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। इसी तरीके से इन्होंने ड्रेनेज से भी रिगार्डिंग सवाल पूछ रखे हैं पहले से, कि विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। माउंटेन से आज तक इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट परसेंटेज है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चन हैं जो जनरली आते रहते हैं एग्जाम्स में, बट उसको आप कहीं से खोज नहीं पाएंगे। जैसे क्या है कि जैसे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन है, बट एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि जनरली आस्क किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो करंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या किसी ने कोई अवार्ड जीता है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो
आपको अवार्ड पूछे जाएंगे, जो इंडिया नेशनल लेवल पे जो अवार्ड दिए जाते हैं, और जो फिल्म और जो सिनेमा जो अवार्ड होते हैं, जैसे ऑस्कर है, कांस है, ये सब अवार्ड पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के एक बहुत बेसिक एक्रोनिम्स पूछे जाते हैं, जैसे क्या है कि किसको इंडियन नेपोलियन बोलते हैं, या फिर इस वॉर में किसको सुल्तान बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पूछते हैं, बहुत डीप हिस्ट्री से सवाल आपसे नहीं पूछेंगे और बहुत डीप ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन आपसे पॉलिटी का वो बेसिक पूछेंगे, ज्योग्राफी का एक दो क्वेश्चन ही आपको मिलने की उम्मीद है, हिस्ट्री के आप एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद ऐसे कहाँ मरे, कौन सा पार्क था, उस पार्क का क्या नाम दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हाई स्कूल या ग्रेजुएट लेवल का बच्चा जानता होगा। बहुत डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड की बात करें तो देखिए, एप्टीट्यूड जो होता है इनका, एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो एप्टीट्यूड में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं वो देखिए इस टाइप के अल्फाबेटिकल रीजनिंग जो जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। सीरीज़ के क्वेश्चन भी पूछते हैं, लाइक देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज़ क्या है, ऐसे क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे। ये क्वेश्चन बहुत मतलब आम है इनके लिए, जनरली इनके लगभग हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ये देखिए ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे कि किस पे स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि नहीं, ये अलोन सफिशियंट है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब ये सारे ऐसे क्वेश्चन देखिए डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, या आप रीजनिंग इसमें बहुत ईजी आता है और आप कर सकते हैं, आपको बहुत खास प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है आप, बट डेली एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो आप रनिंग हैंड में रहेंगे और एग्ज़ाम में जाके आप इजीली कर पाएंगे। तो एप्टीट्यूड इनका बहुत इजी होता है, एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। इनका जो GKGS होता है, GKGS में देखिए 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 में से आप एटलीस्ट 8 ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो पॉलिटी के आपको मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको बेसिक ज्योग्राफी का मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको बेसिक हिस्ट्री का मिलेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन के पीछे नहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट वेस्ट करना है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉलिटी सबसे ईजी पड़ती है इन तीनों सब्जेक्ट में, तो आप पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में जो नेशनल लेवल के इशूज़ हैं आप उसको टारगेट करिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़िए, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो राइट टू एजुकेशन है, उनके बारे में पढ़ के जाइए, और जो कॉरपोरेट पर्सनालिटीज़ हैं, जो मेजर पोस्ट पे हैं, जो CEO लोग हैं, जैसे नीति आयोग का CEO कौन है, आप इन चीज़ों को भी पढ़ के जाइए, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तो हमारा जो पहला पार्ट था, जो नॉन टेक पार्ट था, कि ये जो 24 क्वेश्चन आएंगे ये किस टाइप के आएंगे, ये हमने देखा इसको, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब हम बात करेंगे टेक्निकल पार्ट की। तो देखिए टेक्निकल पार्ट जो होता है वो DFCCIL का जो अभी तक जो पेपर जितने हुए हैं BTech सिविल के, उसमें क्या है कि बहुत वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन हाँ एक चीज़ रही है कि ये शिफ्टिंग पैटर्न में रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ बार बार पूछी जा रही है, इनके क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहे हैं और क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड भी रहे हैं। जो इनके वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी हैं, अगर आप जनरली पढ़े हुए हैं, बेसिक डेफिनेशंस आपको पता है, तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसमें इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिया है ABC करके, तो आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत पूछते हैं। बेसिकली इन्होंने हाईवे और रेलवे को हमेशा से टारगेट किया है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ एटलीस्ट आप 3-4 क्वेश्चन ईजिली आप रेलवे से अकेले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लेट से, स्लीपर से, डाइवर्जन से, हिल से, आप इनसे क्वेश्चन बहुत ईजिली एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए DFCCIL एक PSU की तरह काम है इसका, और ये बहुत कोर ओरिएंटेड है, क्यों, क्योंकि इसका काम ही जो है ट्रैक लेइंग का है, मतलब मैनेजमेंट का है, लेइंग का है, तो ये बहुत ओरिएंटेड रहते हैं अपने काम में। तो इनका जो पेपर होते हैं उन पेपर में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ऐसे बिल्कुल स्टेट जैसे एग्जाम नहीं है कि पोस्ट की जिस चीज़ की है उस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी के पूछ ले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे और इंटरव्यू भी होता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो इनको लोगों को फिल्टर आउट भी करना है, तो उसके लिए पेपर इनको बढ़िया देना पड़ता है। तो जो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट 2-3 स्टेप्स वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही राउंड फिगर वाले नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक जितने ईयर में इनके जो एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम में जितने भी इनके क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल वाले, वो डेसिमल वाले क्वेश्चन रहे हैं, मतलब आपको 2 फिगर्स तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने डायरेक्ट 0.6 निकाला है तो टिक कर देंगे ऑप्शन, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, 0.73, 0.74, 0.84, 0.91, देख रहे हैं आप कितनी क्लोज वैल्यूज़ हैं, इसलिए आपको बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके
इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ देखिए डिफरेंट टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जैसे ग्लास फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट, ये ऐसे क्वेश्चंस के पीछे आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि ये बहुत रैंडम टाइप के सवाल होते हैं, ये जनरली मॉडर्न ट्रेंड से कई बार ले लिए जाते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप बिल्डिंग मटेरियल के जो सबसे लास्ट चैप्टर होता है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल और जो कंक्रीट है सीमेंट है उनके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं, वो ईएस में भी पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम्स में भी आते हैं, और इनफैक्ट सभी एग्जाम में आपको एक सवाल तो मिलने की उम्मीद होती है, तो आप उसको दे सकते हैं लेकिन सबसे लास्ट में टाइम दीजिए, उसके पहले आप बाकी चीज़ों को पढ़िए। बहुत सारे देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये सिर्फ एक पेपर का मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे कई सारे पेपर आपको मिल जाएंगे जो अभी रिसेंट ईयर्स में हुए हैं, सभी पेपर्स में आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ये भी देखिए रेलवे का ही सवाल है और ये हाईवे सर्वे से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एस्टिमेशन का देखिए एक पार्ट होता है, एस्टिमेशन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट, इन्होंने एस्टिमेशन कोई अलग से मेंशन नहीं किया है बट एस्टिमेशन से आप एक क्वेश्चन एस्टिमेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एस्टिमेशन आजकल सभी एग्जाम में आ रहा है, सिलेबस में नो डाउट लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप सर्वेइंग का उसको पार्ट मान सकते हैं और वो कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा इनके जो क्वेश्चन जनरली आए हैं जो टेक्निकल पार्ट में अगर हम बात करें तो सोम के बहुत डिफिकल्ट सवाल आपको नहीं मिलेंगे, आपको बीएमसी जियोटेक हाईवे और आरसीसी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सर्वे का डेफिनेटली बहुत सारा सवाल मिलेगा, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करके जानी है कि 96 क्वेश्चन है और आपके पास 96 मिनट्स है, मतलब 120 क्वेश्चन है 120 मिनट्स है, तो पर क्वेश्चन आपको एक मिनट नहीं देना है, ऐसा नहीं सोच के जाना है क्योंकि आपको 24 क्वेश्चन तो नॉन टेक्निकल के हैं, तो 24 में से 12 तो आपको जो है वो करंट अफेयर या जीके जीएस के आपको मिलेंगे, तो वो 12 क्वेश्चन तो आप आई थिंक 3 मिनट के अंदर ही कर लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको आता होगा तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर टिक कर लेंगे बहुत ईजिली, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। तो बचे हुए 9 मिनट में आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने हैं, तो उस 24 सवाल को आपको 12 मिनट के अंदर करना है, जो बचे हुए 108 मिनट रहेंगे उसके अंदर आपको इस 96 क्वेश्चन को करना है, तो आपको क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में वो करने हैं जो बहुत इजी हैं और वन लाइनर आपको दिख रहे हैं, फटाफट आप उनको करिए। सेकंड अटेम्प्ट में आप क्वेश्चन उनको करिए जो न्यूमेरिकल है जिसको आप कर सकते हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में उन क्वेश्चंस को करिए जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं जिसको आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, और जो नहीं आते हैं क्वेश्चन तो आप कतई इसमें तुक्का ना लगाएं, मेरी सख्त हिदायत है कि आप इसमें तुक्का नहीं लगाएं क्योंकि देखिए इसमें कट ऑफ का जो चक्कर है कट ऑफ इसमें बहुत ही क्लोज होती है और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बाउंड्री पे आके क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुक्के लगा दिए होते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप तुक्के ना लगाएं, जो क्वेश्चन आपको आते हों वही करें और बहुत ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक आई थिंक आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी होगी, आपने जो कुछ पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, एग्ज़ाम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ये आप इजीली कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल न्यू दिखेगा वो क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए ही न्यू नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए वो क्वेश्चन न्यू होगा, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन करना है सही करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी हमेशा बूस्टअप रहता है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे ये क्वेश्चन हैं, सभी स्टेटमेंट वाले हैं, ABCD BCD ये सभी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कंटिन्यू देखिए आप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और जो सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा वो बहुत इजी रहेगा, उसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अटेम्प्ट करते समय टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कि कितना क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करना है, इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ से इन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप पहले से किसी कोचिंग से अटैच हैं तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, अगर आप किसी ऑनलाइन क्लास से अटैच हैं तो आप उसको पढ़िए, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, और अगर आपको लगता है कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अभी तक आपने कोचिंग नहीं करी है तो आप ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ये देखिए हमारा टू द पॉइंट बाय ध्यानपाल सर का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिए और यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट नोट्स मिलते हैं, डेली जूम क्लासेस ली जाती हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन करिए और बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन होता है, कोई भी न्यूसेंस नहीं होता है यहाँ पे, आप यहाँ से सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, टू द पॉइंट्स के जो कॉन्साइज नोट्स हैं उसके बाहर किसी एग्ज़ाम में आज तक नहीं आया है, इवन जो आज ESC का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखेंगे तो लगभग 70-80% सिलेबस कवरेज था टू द पॉइंट बाई
ध्यानपाल नोट से और कहीं से नहीं था, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं से फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो आप उसको बाई हार्ट फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए ढेर सारी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैनोटेस्ट सिविल से जुड़िए, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।